नमस्कार, आप देख रहे हैं लव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे बीच में करण लोहिया जी मौजूद हैं, जो कि उड़गांव का एक नाम पहचानी एक चेहरा है, लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल या कई सामाजिक लोग इनसे जुड़े भी रहते हैं। वर्तमान में आम आदमी पार्टी में कार्यरत हैं, सेवार्थी के हैं और समाज के लिए सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं को देखते हुए इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। अब आगामी नगर निगम चुनाव है जिसकी कभी भी घंटी बज सकती है, ऐसा लोहिया साहब कह सकते हैं, क्योंकि वार्डबंदी का मैप आ गया है और डीसी ने मैसेज भी दिया है, जो कि अपने गुड़गांव आयुक्त हैं। तो कैसे दिख रहे हैं कि आज जो रिजर्वेशन को लेकर, जहां पर पहले 6 सीट हुआ करती थी ऐसी, कि वो आज 3 सीट कर दी है, कहां क्या दिक्कत है या फिर ये कितना अच्छा हुआ है? ये जो नगर निगम का आने वाला चुनाव है, इसमें जो अभी डीसी साहब ने प्रारूप ड्राफ्ट एक निकाला है वार्ड से संबंधित, इसमें हमारी जो 6 रिजर्व सीटें थी दलित समाज के लिए, 6 रिजर्व सीटें की गई थी पिछली बार, उनको 3 दिखाया गया है, जो कि सरासर अन्याय है, समाज के साथ धोखा है और जो ये सरकार बीजेपी की सरकार अपनी आदत के अनुसार कर रही है, और ये बड़ा एक कुठाराघात है दलित समाज के ऊपर। हमारी आबादी कम दिखा करके और ये हमें हमारी जो हमारा आरक्षण है उसको कम किया जा रहा है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आबादी के हिसाब से जब आपकी सीटें रिजर्व की जाती हैं, तो उस वार्ड के अंदर जब आपकी जनसंख्या कम होगी तो उस पर कैसे वो आपको सीट दे देंगे, वहां पर रिजर्व कैसे कर देंगे? नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आबादी के हिसाब से सीट रिजर्व होती है, लेकिन एक मजे की बात आप देखिए, इस प्रारूप में जो हमें प्रस्तुत किया गया हमारे सामने, उसमें गुड़गावा की नगर निगम क्षेत्र की कुल आबादी पिछले समय जब इलेक्शन हुए 2016 में और नोटिफिकेशन जारी हुई और उसमें जो आबादी दिखाई गई, कुल आबादी थी, कुल निगम की आबादी 11,61,530, जिसमें सभी शामिल थे, दलित भी और सारी आबादी, और उसी में जो रिजर्व एससी आबादी थी वो 1,91,376 समथिंग थी। उसके आधार पर हमें, और वार्ड बने 35 वार्ड बने, और उसके आधार पर हमें रिजर्वेशन मिला 6 रिजर्व सीटों का। और आज जो ये प्रारूप प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार कुल आबादी 10,92,188 कुल निगम की आबादी दिखाई गई है, जिसमें एससी की आबादी कुल दिखाई गई है 87,930, और हमें जो एससी वार्ड रिजर्वेशन मिल रही है 3 वार्ड की उसमें दिखाई जा रही है, जो कि सरासर अन्याय है। आपका यह कहना है कि उसमें आबादी कम कर दी गई इस बार जो उसी उपाध्याय जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि ये जो आबादी दिखाई गई है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आबादी घट कैसे गई। 2011 की जनगणना के आधार पर 2016 के निगम इलेक्शन हुए और जनगणना तो अभी हुई नहीं है अगली, तो ये जो इलेक्शन होने हैं वो भी 2011 की जनगणना पे होने हैं, फिर दलित या एससी रिजर्व की आबादी 87,000 कैसे हो गई? और एक और मजे की बात इसमें आप देखेंगे, जनरल की आबादी या टोटल आबादी भी लगभग 1 लाख कम हुई है, लेकिन वार्ड 1 बढ़ गया। वो कैसे हुआ भाई, जब हमारी आबादी घटी और वार्ड घट गए, और जनरल की घटी वार्ड बढ़ गए, ये कौन सा गणित है, कौन सा फार्मूला है, ये जरा हमें समझा दिया जाए। हमने इस बारे में डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया है, भाई इसमें सुधार कर लो, अभी देखते हैं उसमें सरकार क्या करती है। हमारी पार्टी ने भी इस पे इनिशिएटिव लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी चिट्ठी लिखी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हमने गुड़गांव में की, गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया इस विषय पे। अभी जो जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पहचान पत्र बनाए गए,
उसके आधार पर जाति गणना कर सकती है सरकार, या फिर ये कहा जाए कि जो चुनाव आयोग है उसके हिसाब से चल सकता है, क्या ऐसा संभावित है? नहीं, ये चल सकता है। ये जो जो गड़बड़ है, ये जो जनसंख्या और गिनती में जो अंतर आ रहा है, ये पीपी जो ट्रिपल पी कहा गया है, इसके आधार पर परिवार पहचान पत्र जिसको कहा जाता है, ये उस पे किया गया है। और परिवार पहचान पत्र अपने आप में घोटाला है। इसके इसके विरुद्ध हमारे जो शीर्ष नेता हैं डॉक्टर अशोक तंवर, सुशील गुप्ता जी, इन्होंने पहले भी कहा है कि ये एक बड़ा घोटाला है खट्टर सरकार का। घर बैठे जिस एजेंसी ने पीपी किया है, उन्होंने घर बैठे अपने तरफ से आंकड़े प्रस्तुत करके लोगों के बीच नहीं जाकर कर घर बैठ के ये सब कुछ किया है। तो वस्तु स्थिति कैसे आएगी सामने? और ये गड़बड़ जो हुई है वो इसी लिहाज से हुई है। आप एक बात बताइए उपाध्याय जी, आज हमारे देश की जनसंख्या वर्ल्ड में हम सबसे ऊपर हो गए, 142 करोड़। ये हमारे हम ये वर्ल्ड का भी आंकड़ा और हमारे देश का भी आंकड़ा है। फिर मेरे को ये समझ में नहीं आती, दलित आबादी 191,000 से गुड़गांव की और 87,000 कैसे हो गई? आबादी घटती है या बढ़ती है? और अगर आबादी बढ़ी घटती है तो देश की आबादी कैसे बढ़ गई भाई? इसके बारे में कोई समझाएगा? कोई भी जो ऊपर हमारी मशीनरी बैठी है, अफसर बैठे हैं जिन्होंने इस पे ये एक्ट कर रहे हैं जिसके अनुसार, अरे बता तो दो भैया क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? आज आपकी पार्टी के शीर्ष नेता सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी आज आरोप लगाते हुए कहा है कि ये एक सोची समझी एक चाल है जिससे चुनाव ना करने पड़े, इसीलिए और ऐसी समाज के लोग आवाज उठाएंगे तो फिर कुछ लंबे वक्त के लिए टल जाएगी। कितना सत्य है ये? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे गुप्ता जी, मैं इस बात से बिल्कुल उनकी से सहमत हूँ, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी ना हो, और ये जो क्योंकि जनप्रतिनिधि ना हो और ये सरकार और उनके अफसर ही कार्यरत रहे और इस सारे समाज उसको संभालते रहे निगम को, जवाबदेही होती है चुने हुए प्रतिनिधि की। और पिछले नवंबर से गुड़गांव में कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, तो सारा का सारा जो काम देख रहा है ब्यूरोक्रेसी देख रहा है। और आप देखिए गुड़गांव का कितना बुरा हाल है, बारिश में देखिए कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, साफ सफाई में देखिए, क्योंकि कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो वो और इनका जो खर्चा है वो एज इट इज है, सारे खर्चे होने लग रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहे। तो सरकार तो चाहती है और अफसर भी चाहते हैं कि जनप्रतिनिधित्व ना मिले लोगों को और खुद ही जनप्रतिनिधि का काम खुद ब्यूरोक्रेट करते रहे। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है केंद्र में और राज्य में, वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है जिससे कि वन कंट्री वन रूल्स का जो फॉर्मूला है, और सिविल कोर्ट जो लाना चाहते हैं जिससे कि समानता, सबको अधिकार, सबको बराबर मिले। तो जब आप जब सामान्य जहां पर सीट होती है वहां पर भी आप लोग चुनाव लड़ते हैं, तो फिर ये रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है? नहीं, रिजर्वेशन की आवश्यकता देखिए पड़ी क्यों? रिजर्वेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, हजारों साल से जो वर्ग दबे कुचले रहे, जिनके अधिकारों का हर वक्त हनन होता रहा आज तक, ये तो उनको बराबर लाने के लिए, उनको सबको बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। और ये हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की, वो 10 साल के लिए किया था। नहीं, 10 साल के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने एक और भी कहा था ना कि जो मौजूदा सरकार, जो उस समय सरकारें होंगी, वो इस तरह से कार्य करें कि सब बराबर आए। अब तो लगभग बराबर है। नहीं, कैसे आप बराबर कह सकते हैं? आज आप हम साथ में खड़े हैं, आज आप हम साथ बैठ खा रहे हैं, आजकल तो सारी संबंध भी होने लगे हैं। नहीं, ये आप सिर्फ गुड़गांव या एनसीआर के आसपास देख सकते हैं। आप आज भी देखिए, एक बच्चा अगर घड़े से पानी पी ले दलित का और उसकी जान ले ली जाए और हम कहते हैं कि बराबर है, कैसे बराबर है बताइए? ये मतलब एक मानवता पे कलंक नहीं है क्या चीज? एक आदिवासी अगर मंदबुद्धि भी हो सकता था, वो हो सकता है मंदबुद्धि हो, आदिवासी कोई बैठा है और उस पे उच्च क्लास का आदमी, उच्च वर्ग का आदमी और उस पे पेशाब कर दे और फिर कहता है कि आरक्षण क्यों जरूरी है? आरक्षण इसलिए जरूरी है
कि भैया सबको बराबर का हक मिले, और अगर आपने आरक्षण खत्म करना पेशाब करता है तो वो तो एक क्राइम अपने आप में, तो ये तो अपने, लेकिन उसको भी बचाया जा रहा है ना भाई। नहीं कहा उसको, शिवराज सिंह चौहान ने उसको तो पूरा, आप ये देखिए शिवराज सिंह चौहान ने तो उनको उसके पैर धो लिए, और वो भी देखिए उसमें भी बाद में पता लगा कि वो व्यक्ति गलत था जिसका पैर धो दिया। ये भी वायरल सुनी है खबरें, चलो कोई बात नहीं पैर धो दिया। आप ये देखिए उसी जिस वर्ग से वो व्यक्ति था उस वर्ग के कुछ लोगों ने, कुछ लोग क्या एक संगठन, उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जिसने पेशाब किया उस व्यक्ति के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उस परिवार के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, यार इसका घर टूट गया इसको बनाने के लिए, और इसकी भाई मदद, इसके साथ अन्याय हो गया, तो फिर बताइए आप इसका जवाब, इसका बताइए ना भाई क्यों ऐसा क्यों। तो क्या लगता है आपको कि आज भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है, और आज जिस प्रकार से जो आप मांग कर रहे हैं कि 3 की जगह पे 6 हो जाए, 7 हो जाए 36 में से, तो क्या संभावना लग रही है कि सरकार चुनाव टालने की फिराक में है, या फिर वास्तव में ही कि आप लोगों की जो मांग है वो पूरी होगी? नहीं देखिए इसमें सरकार क्या सोच रही है सरकार जाने, हम तो ये सोच रहे हैं मैं एज ए समाज, मुझे पार्टी, देखिए पार्टी अपनी जगह है ठीक है, लेकिन मैं समाज से भी हूं, और जिस समाज का हक मारा जा रहा है मैं तो समाज को, उसको पूरा हक मिलना चाहिए, जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन भाई 20% का आरक्षण का कानून है तो वो मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ेगी करेगी तो भाई इलेक्शन तो हम नहीं होने देंगे, हमें हम क्या जन आंदोलन करेंगे इस बारे में, ऐसा थोड़ी है कि कैसे अपने हक को छीनने देंगे, हम तो नहीं छीनने देंगे। लोहे जी आपको क्या लगता है कि आज गुरुग्राम शहर के अंदर या गुरुग्राम जिला के अंदर जहां पर नगर निगम जहां जहां तक है, तो क्या लगता है कि वहां तक कितनी आबादी होगी आज अगर ऐसी शेड्यूल कास्ट की देखी जाए तो? आज आबादी अगर सही ढंग से हम इसका आकलन करेंगे, सही ढंग से जनसंख्या का अनुमान लगाएंगे और गिनती करेंगे तो मुझे लगता है 2 लाख से कहीं ज्यादा होगी। जब 191,000 सरकारी आंकड़ा है, मेरे घर का आंकड़ा नहीं जनसंख्या का आंकड़ा है, तो आप ही बताइए उससे घटेगी या बढ़ेगी, तो फिर ये 87,000 कैसे हो गई। आप सरकार से हमारी तो मांग ही है जो पीपीपी का फार्मूला है इसको बदलो, जिसने इस पे कार्रवाई की इसको सुधारो भाई, और इसमें सभी वर्गों का नुकसान है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि इस जो पीपी का फार्मूला है इस पे कार्रवाई ना करके जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार से किया जाए, और जब अगर इसके पीपी पे भी हो रहा है, परिवार पहचान पत्र पे भी आप वार्ड बना रहे हैं, तो जन मतलब टोटल आबादी अगर घट रही है और फिर भी एक वार्ड बढ़ रहा है, और हमारी आबादी घट रही है तो 3 वार्ड हमारे घट रहे हैं, उनका बढ़ रहा है हमारा घट रहा है। आप कैसे अनुमानित कर सकते हैं कि ये पहचान परिवार पत्र को लेकर ही वहां से ही सारी चीज बन रही है, हो रही है? वो बता रहे हैं जो नोटिफिकेशन आया उसमें लिखा है कि ये परिवार पहचान पत्र के आधार पे ये निर्धारण हो रहा है, उसमें लिखा है, तो इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जनता के लिए क्या, समाज के लिए? जनता के लिए भाई देखो, या तो हम तो सरकार से पहले आग्रह करते हैं, हमने इस बारे में डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया है, समाज की तरफ से हमने ज्ञापन दिया है, और डिविजनल कमिश्नर साहब को भी हमने अपनी व्यथा सुनाई है, उनको ज्ञापन दे के आए संडे को, और अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं भाई हमारे इस पे क्या वो निर्णय लेते हैं। हम तो चाहते हैं हमारा हक हमें मिले, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सरकार से हमारी आग्रह है कि भाई जो हमारे हमारे समाज का जो हक है वो हमें पूरा मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो फिर देखते हैं, अगर हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे भाई, हमें फिर 2 अप्रैल भी करना पड़ सकता है, और हम इसमें पूरे समाज को साथ लेके चलेंगे, समाज का काम है। क्या आप लोगों की कहीं सभी जितने भी आपके समाज के टीमें हैं, या ये कहा जाए जितने भी संगठन बने हुए सब एकजुट हो रहे हैं और सब? हाँ बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं, जो हमने ज्ञापन दिया उसमें हम, क्या कोई पंचायत द्वारा करने वाले हैं कुछ ऐसा? जब हमने ज्ञापन दिया डीसी साहब को उसमें हम सभी जो प्रमुख हमारे वर्ग हैं या ग्रुप्स हैं उनकी मीटिंग, उन्हीं के लोगों ने, हम सब ने मिलकर दिया, किसी पार्टी से नहीं था इसमें कोई रिलेशन ना कोई, सब जो हमारे सामाजिक संगठन है उनके द्वारा दिया गया, और उसमें हम सभी कहीं ना कहीं शामिल हैं।